कांग्रेस बोकारो जिला स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाध्यक्ष विकी कुमार की अध्यक्षता में बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष पी नैयर ने कहा कि सेकेंड वेव में सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश के राज्यों में कोविड कंट्रोल रूम बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक मदद पहुंचाई। ऐसे में जब अब 6 से 8 हफ्ते के अंदर कोरोना के तीसरे लहर की शुरुआत होने की बात कही जा रही है, तो सेकंड वेव में किए गए कामों की समीक्षा की जा रही है ताकि तीसरे वेव में उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो दूसरे वेव में हुए। कल जो उस वक्त समस्या आई थी वो इस बार नहीं आ सके, क्योंकि दिन रात में मतलब रात को 2-3-4 बजे, अभी तो झारखंड का इंचार्ज में बना था, लेकिन मैं आपके पास रिकॉर्ड हमारे पास है, हज़ारों की संख्या में अलग अलग राज्यों से कॉल्स हमारे पास आए थे, क्योंकि टोल नंबर झारखंड सरकार ने इसको जो किया था हमारा नंबर, तो भारत झारखंड में गूगल पे भी मिला, और उसके वजह से लोग अलग अलग राज्यों से मुझे कॉल किए, रात में भी किए, मैं सहायता किया, और जिनको ज़रूरत था नीड उस राज्य में, तो जो हमारे जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट कांग्रेस की जो कमेटी कोविड कंट्रोल जो चला रही थी वहाँ तक मैंने पहुँचाया और उनको उसके माध्यम से वहाँ सहायता दिलवाया लोगों को। तो इसके लिए मैं बोकारो में आया हूँ इस वक्त कि हमारी जो कमेटी क्या की है बेहतर, और आने वाले वक्त में और क्या कर सकती है, लोगों की यहाँ से मदद क्या कर सकती है, इसके लिए शुरू किया हूँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।